यूँ तो इनकम टैक्स की चोरी और नकली बिल बनाकर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में धांधली करना कोई नई बात नहीं, लेकिन कानपुर डिवीजन की इनकम टैक्स की चोरी में एक ऐसे नेक्सस का पर्दाफाश किया है जहां पर गरीब तबके लोगों का सहारा लेकर जीएसटी और इनकम टैक्स की बड़ी चोरी की जा रही थी। आपको बता दें कि इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड कानपुर में भूसाटोली इलाके में काम करता था, जहां पर कबाड़ का बड़ा काम है। आरोपी इस मंडी में मौजूद स्कैप डीलर, बैटरी डीलर और अन्य व्यापारियों को फर्जी बिल सप्लाई करता था। इन फर्जी बिलों में वह जिन लोगों से सामान की खरीद दिखाता था वह और कोई नहीं बल्कि रिक्शे वाले और कबाड़ उठाने वाले जैसे गरीब लोग तबके लोग थे, जिनके बाद फर्जी आईसीटी क्लेम और जीएसटी में रिबेट भी लेते थे। आपको बता दें कि इस पूरे काम के लिए अभियुक्त ने 100 कबाड़ वाले और 100 रिक्शा वालों के नाम पर कई फॉर्म खोले, बैंक में फर्जी एड्रेस देकर खाते खुलवाए, उनसे उनकी चेक बुक पर साइन लिए, बैंक की डिटेल्स और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए। इसके एवरेज में उन सभी गरीबों को पर महीने 10,000 रुपए देने का वादा किया। इन्हीं के बैंक खातों में पेमेंट जाती थी और फिर चेक के जरिए वही पेमेंट वापस ली जाती थी। ऐसा करके अभियुक्त ने 250 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कर डाले और एजेंसीज को 80 करोड़ रुपए के ऊपर का चूना लगा डाला। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें 10,000 रुपए दिए जाने का वादा किया था, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मिलना बंद हो गया। अब जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके बारे में पता चला तो इनके फॉर्म पर नोटिस भेजा गया। जब इनमें से अमित कश्यप, सोमल तिवारी, सफल सिंह और प्रदीप नाम के व्यक्ति जो कबाड़ बीनने का काम क्या करते थे एजेंसी के सामने आए तो उनके होश उड़ गए। यहीं से पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ। इनकम टैक्स सूत्रों की माने तो इस पर बैंक अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं कि क्यों इन लोगों की केवाईसी नहीं कराई गई, बिना पेपर बैकग्राउंड चेक कराया इनके बैंक अकाउंट कैसे खोले गए। इनकम टैक्स के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जल्द ही वह आरबीआई को इस मामले में लिखेंगे और बैंक अधिकारियों की जांच के लिए रिकमेंडेशन करेंगे और कि आखिर बिना पेपर बैकग्राउंड चेक करे कैसे इन लोगों के खाते खोले गए। इस नेक्सस के मास्टरमाइंड के खिलाफ कार्यवाही करते हुए इनकम टैक्स द्वारा कई नोटिस भी दिए गए, जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7 लाइव।